दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट से मचने वाली तबाही के निशान धरती के सीने पर कई जगह मिल जाते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के कहर को सदियों से झेलते आ रहे हैं। हालांकि भारत इस मामले में बीते कई दशक से सुरक्षित रहा है, लेकिन क्या भविष्य में भी भारत इस खतरे से सुरक्षित रहेगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में एक ऐसा ज्वालामुखी मौजूद है जो लगातार सक्रिय है। वैज्ञानिक इस बात से चिंतित है कि अगर इसमें विस्फोट हुआ तो फिर भारत को इसका कितना खामियाजा भुगतना होगा। चलिए आज की वीडियो में हम भारत के इकलौते सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये ज्वालामुखी है कहाँ। तो मैं जिस ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में स्थित है। लोकल लोग इसे अपनी भाषा में सोता हुआ शैतान कहते हैं। इस ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी एशिया का इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जो फिलहाल सक्रिय है। अब इससे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? दोस्तों, वैज्ञानिक इस ज्वालामुखी को लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दशकों से और कुछ सालों की बात करें तो भारत ने कई भूकंप के झटकों को महसूस किया है। ये भूकंप के झटके और सुनामी बैरन द्वीप ज्वालामुखी के विस्फोट का कारण बन सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय वैज्ञानिक और दुनिया भर के शोधकर्ता इस बैरन द्वीप ज्वालामुखी पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस बैरन द्वीप ज्वालामुखी की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ज्वालामुखी लगातार सक्रिय है और इसके अभी आगे भी सक्रिय रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इस बैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो सबसे ज्यादा कौन सा शहर प्रभावित होगा। दरअसल अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया को देखने को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से उठने वाली राख से पूरा आसमान ढक जाता है। हालांकि इससे सबसे ज्यादा परेशानी अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर इस ज्वालामुखी से महज 150 किलोमीटर दूर है। इस ज्वालामुखी के बारे में कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले साल 1787 में धुआं और लावा निकलते हुए देखा गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।